अगर आप 11 मिनट रोज इस प्रोसेस को दे सकते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखें। ये वीडियो में जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, इसने मेरी जिंदगी पे, मेरे हर एक टीम मेंबर्स की लाइफ में और हमारी कमांडो ट्रेनिंग के 7,500 पार्टिसिपेंट्स की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा गहरा असर डाला है। एंड दिस मैजिकल फॉर्मूला इज गोइंग टू शिफ्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ, आई प्रॉमिस यू। बस आपको इस 11 मिनट के फॉर्मूले को अपने घर वालों के साथ या अपनी ऑफिस के टीम के साथ या जहां पे भी आप रहते हैं अपने दोस्तों के साथ कहीं पे भी अप्लाई जरूर करें और मैजिक होता हुआ देखें। 21 डेज या उससे भी कम में आप देखेंगे इनक्रेडिबल शिफ्ट आपकी अवेयरनेस में, आपकी फिजियोलॉजी में, बॉडी में, आपके रिजल्ट्स में, हर चीज में। सो आप में से हर एक आदमी जानने के लिए तैयार होगा ये 11 मिनट का मैजिक फॉर्मूला क्या है। सो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ध्यान से समझें ये 11 मिनट की प्रैक्टिस क्या है। तो क्या है ये प्रैक्टिस और कौन से 11 मिनट आपको देने हैं, आइए समझते हैं। या तो आप सुबह 11 बजे से लेके 11:11 का समय ये निर्धारित कर लें मॉर्निंग के टाइम पे, या फिर आप इसको कर सकते हैं दोपहर में 1 बजे से लेके 1:11 तक, या फिर आप इसको रात को कर सकते हैं 11 बजे से 11:11 तक। सो ओवरऑल आपको 11 मिनट देने हैं और 11 मिनट इसी टाइम फ्रेम में देने हैं। अब दोस्तों आप में से कई लोग कहेंगे सर ये 11:11 क्यों, ये 1:11 क्यों, ये 11 मिनट ही क्यों? दोस्तों पहली चीज 11 जो है वो यूनिवर्स में मास्टर नंबर कहलाता है। अगर आप न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 9 इज द हाईएस्ट नंबर इन द हायरार्की 0 से 9 के बीच में एंड 11 इज कॉल्ड एज द मास्टर नंबर। अगर आप न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे तो 11 का पावर बहुत ज्यादा है। सो 11:11 यानी डबल पावर आ गई मास्टर नंबर की। और अगर आपको 1:1:1 यानी 1:1:1 कहीं पे भी दिखाई देता है तो 1:1:1 है, इसका मतलब है यूनिवर्स या एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हैं और बोल रही हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट इन योर लाइफ। ये आपके लिए सबकॉन्शियस सिग्नल है कि अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। इसीलिए केयरफुली चोजन दीज नंबर्स 11:11 या 1:11। सो ये 3 टाइम फ्रेम में ये प्रैक्टिस करनी है और 11 मिनट तक करनी है। 11 मिनट की ये क्या प्रैक्टिस होती है, इसमें पहला 1 मिनट से 3 मिनट्स का टाइम आपको लेना है टू राइट योर इंटेंशन, राइट योर इंटेंशन। ओके, आपकी कोई भी इंटेंशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बहुत अच्छी कार चाहिए, या आपको आपके बच्चे की शादी हो जाए ऐसा चाहिए, या आप IAS ऑफिसर बन जाए ऐसा चाहिए, या आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो जाए, आप करोड़ों रुपए कमा लें, या आपको ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो आपको चाहिए। सो ये 1-3 मिनट्स का समय एक अच्छा सा म्यूजिक चला दीजिए जो भी आपको हाई एनर्जी दे सके। ये इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है या फिल्मी म्यूजिक हो सकता है या डिवाइन म्यूजिक, स्पिरिचुअल म्यूजिक हो सकता है। आपने म्यूजिक प्ले किया और आपने लिखना शुरू किया, पहला मिनट सोचने के लिए, नेक्स्ट 2 मिनट्स लिखने के लिए। सो 1-3 मिनट आपको लगाने हैं सिर्फ आपकी इंटेंशन लिखने के लिए। और इंटेंशन लिखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब मान लीजिए आपको IAS ऑफिसर बनना है तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे मैं IAS ऑफिसर बनूंगी, आप लिखेंगे हुर्रे मैं IAS ऑफिसर बन गई हूं एंड थैंक यू सो मच गॉड। शॉर्ट में लिखना है, कम से कम शब्दों में लिखना है, लेकिन बड़े एक्साइटमेंट के साथ लिखना है। आपने 1-3 मिनट तक ये लिख दिया, उसके बाद आपको इसको 3rd minute and 4th minute में आपको इसको कम से कम 10 times यू नीड टू स्पीक दिस। ओके, सो पहले 3 मिनट लिखने के लिए, सोचने के लिए, अगला मिनट 1 मिनट उसमें 10 बार इसको पढ़ना है, अरे मैं IAS ऑफिसर बन गया, अरे मैं IAS ऑफिसर, पूरी फीलिंग के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। उसके बाद आपको अगली एक्सरसाइज 4th minute to 8th minute, I want you to watch a super inspiring video. Okay? सिर्फ 4 मिनट का छोटा वीडियो, तो यूट्यूब से निकाल के कोई भी ऐसा वीडियो जो हाई मोटिवेशनल हो, या तो वीडियो हो सकता है या ऑडियो हो सकता है, आप या तो देखें या सुने, सुपर हाई एनर्जी वाला कुछ भी ऐसा जो कि बहुत हाई एनर्जी दे सके, जैसे कि यस यू कैन रियली चेंज योर लाइफ बिकॉज यू आर बोर्न टू विन, ऐसा कोई पावरफुल वीडियो होना। इंटरनेट पे जाइए, मेरे चैनल पे भी 10-15 मैंने डाले हुए हैं पहले पुराने, लेकिन आप चाहें तो मेरे चैनल से या किसी और के चैनल से कहीं से भी ले लीजिए, या अपना खुद का कोई इंस्पायरिंग ऑडियो बना लीजिए या वीडियो बना लीजिए जिसे आप देखें। 4 मिनट आपको ये कर रहे हैं, तो पहले 3 मिनट आपने इंटेंशन सोचा और लिखा, अगला 4th minute उसी इंटेंशन को आपने 10 बार बोल दिया, उसके बाद के 4 मिनट एक सुपर इंस्पायरिंग वीडियो आपने देखा जो कि आपकी एनर्जी को बहुत अपलिफ्ट कर सके। ऑलराइट, एंड आफ्टर दैट करीब 8 मिनट से 10 मिनट तक
सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? यू कैन डांस लाइक मैड, ऑलराइट, यू कैन डांस एंड फील दैट एनर्जी दैट अरे आप आईएएस ऑफिसर बन गए, और उसके बाद की एनर्जी, हुर्रे, ये डांस करिए बहुत म्यूजिक लगा के, सुपर इंस्पायरिंग डांस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि मतलब हाईएस्ट लेवल की एनर्जी। उस समय अपने आप को रोकना नहीं है। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर मैं ऑफिस में रहूंगा, उस समय आप सुबह के 11 से 11 ऑफिस में रह सकते हैं, 1 से 11 ऑफिस में रह सकते हैं, रात को कीजिए, ठीक है, ऑफिस में भी करना है कोई बात नहीं। अगर आप ऑफिस में डांस नहीं कर सकते, गो टू वॉशरूम एट दैट टाइम एंड मेक श्योर दैट आप वॉशरूम में कानों में वो क्या कहते हैं ईयर प्लग लगा के वॉशरूम में यू आर डांसिंग। डू समथिंग, डोंट गिव द एक्सक्यूजेस। आपकी जिंदगी को बदलने की बात कर रहे हैं हम लोग। एंड दोस्तों 10 मिनट ये हो गया, 11th मिनट यानी 10th मिनट टू 11th मिनट आपको विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन का मतलब है आप अपनी आंखों को बंद करके शांति से बैठ रहे हैं, ये मुद्रा लगा के बैठ रहे हैं, मिडिल फिंगर के दोनों तरफ आपका अंगूठा इस तरह से पूरी स्माइल के साथ, उस पूरी प्रक्रिया को आप आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, पूरी दुनिया आपको सलाम कर रही है, आपको लाल बत्ती की गाड़ी मिल रही है, आपको गवर्नमेंट का ऑफिस मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया ऑफिस मिल रहा है, एंड ऑल दोस थिंग्स यू नीड टू विजुअलाइज इन योर माइंड फॉर 1 मिनट एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो वापस से रिपीट करेंगे, पहला 1 से 3 मिनट आपने जो आपको चाहिए उसको लिख दिया, उसको लिख दिया, लिख के आपने 4th मिनट में उसको 10 बार पढ़ा, जल्दी लिख दिया तो ज़्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन 4 मिनट तक ये करना है। उसके बाद एक इंस्पायरिंग वीडियो देखा, 4 मिनट का मिनिमम, 3 से 4 मिनट का हो सकता है, फिर जितना मिनट बचे उसमें करीब 1, 2, 3 मिनट आप भयंकर डांस करें बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत इंजॉय करते हुए कानों में लगा के हुर्रे याहू, फील दैट इन योर बॉडी। एंड उसके बाद आप 1 मिनट का आंख बंद करके विजुअलाइजेशन करें। दोस्तों ये है 11 मिनट मैजिक फॉर्मूला। मैं और मेरी टीम हर रोज करते हैं ये, हम कहीं पे भी होते हैं अपना सारा काम रोक देते हैं, दोपहर में 1:11 पे हम लोग करते हैं ये ही सेम एक्टिविटी। तो अगर आप मेरी टीम से कभी भी बात करते 1:00 से 1:11 के बीच में कभी मेरी टीम को कॉल ना करें। अगर मेरा कोई भी लाइव प्रोग्राम भी चल रहा होता है या पेड प्रोग्राम कर रहे होते हैं वहां पे भी हम 1:11 तक उसको कभी रोक देते हैं सारे प्रोग्राम्स को, एंड वी डू इट रेगुलरली दोस्तों। एंड लेट मी टेल यू वी गेट मैजिकल रिजल्ट्स। मैजिकल मतलब मैजिक, बहुत जबरदस्त। कई बार तो हमें ऐसे लगता है कि कई चीजें होगी नहीं, लेकिन वो इतनी आसानी से हो सकती है, हंसते हंसते हो जाती है। आप में से कई लोगों को लगेगा ये बेवकूफी वाली एक्टिविटी, लेकिन दोस्तों और कुछ गारंटी हो या ना हो, इन 11 मिनट में आप बहुत खुश होंगे, इन 11 मिनटों में आप अपनी इंटेंशन पे काम करेंगे, अपने विचारों पे फोकस्ड होकर काम करेंगे, कॉन्शियसली काम करेंगे, और जब भी आपके विचारों पे कॉन्शियसली आप काम करते हैं उस समय सब कुछ अच्छा हो सकता है। इंटेंशन की बात करें कोई भी हो सकती है, आपको करोड़ों रुपया चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको ये हो गया, आपका वो हो गया, जो भी आपको XYZ। सो उम्मीद करता हूँ ये प्रोसेस आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये दोस्तों प्रैक्टिकल प्रोसेस है, आप करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, हर क्षेत्र में रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरा वादा है। और जब जब रिजल्ट मिले एक प्रॉमिस कीजिए, इसी वीडियो के नीचे आप वापस से आएंगे और आप कमेंट करेंगे हुर्रे इट इज़ वर्किंग एंड इट हैज़ चेंज माय लाइफ, थैंक यू सो मच। और आप दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोगों को भी ये बेनिफिट हो सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच सके। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर।